तो ऐसे ही कर लें, इसको फोर बना लें, साइन क्या आ गया माइनस, सेम है जहाँ प्लस का साइन हुआ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस। अब ये है कि हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 6.2 से हमें माइनस करना है 0.23 माइनस करना है हमें, तो ये 7 9 और ये यहाँ से गया तो ये 5.97, यही आया सबका 5.97 10 की पावर 4 हो जाएगा। मान लो अब हमारा फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आता, तो हम आगे पीछे पावर करके साइंटिफिक नोटेशन बना लेते ना, बच जाता था, क्लियर है? कहीं दिक्कत आ रही क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करने में? कहाँ से लेते हो कैरी, ऊपर से यहाँ से लेते हो कि नीचे से? ऊपर से लेते हो सब, हम यहाँ से लेते हैं। देखो आंसर यही आएगा, यहाँ से एक ली 10 से 3 गई 7, कहाँ यहाँ, तो कैसे भी ले लो सेम आंसर आएगा, देख लो ना कोई भी नंबर। अरे आ रहा ना इन लो ना, सीखो तो पहले, जब कोई चीज़ नहीं सिखा रहे तो सीखो। आप ऊपर से भी ले सकते हो नीचे से, ऊपर से लेते हो तो ऊपर वापस करते हो, नीचे से लेना तो नीचे वापस करना है, ठीक है? यहाँ से हमने एक ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10 में 3 गई 7, 7 हो गई, वापस कर दी 3, अब 2 में से 3 तो जाएगी नहीं, तो फिर से यहाँ से भी लेना है, कहाँ, तो यहाँ पर आपका, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ वापस दे देंगे ना उसको ये। अरे ये करो, तुम लोग का 5.97 आया, हमारा 5.97 आया, मतलब आंसर तो सही आया ना, तो बस फिर क्या दिक्कत। चलो इसको करके दिखाओ, ये थोड़ा हम देखें इसका आपका और हमारा रिजल्ट क्या आता है, 9.82 0.36 करके दिखाओ, अगर 9.46 थोड़ा सा ऐसा करते कि यहाँ छोटा कर दे, अब करके दिखाओ, आ गई तो हम कर रहे थे आप, सही आ रहे ना, क्लियर? अब कुल मिला के क्या है, आपको हैबिट है ऊपर वाली, तो आप ऊपरी वाली करना, तो नीचे वाली आपसे गलत हो जाएंगे, बन गया ये आगे दे तो करके दिखाओ। चलो अभी वाला मत सीखो, हटाओ उसको, क्या है आपको प्रैक्टिस नहीं है तो गलत हो जाओगे ऊपर वाले। अरे अब क्या हुआ है, इस टाइम में सब लोग ऊपर से ही लेते हैं, आपको 100 में से 100 बच्चे ऊपर से लेंगे, हम भी ऊपर, हम दोनों क्या होता है, हम लिमिटेड नहीं रहते, हम कोई भी, हम हर तरीके से सीखते रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है, हम नीचे ऊपर हर तरीके से सीखते हैं। लेकिन अभी आप लोग कन्फ्यूज मत हो, अभी आप अपनी ऊपर से एक कैरी लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ले लो आराम से, ऊपर से ले लो नीचे से ले लो। जैसे आप पूछ रहे हो कैसे लेते हो, तो हम आपको सिंपल से नंबर से बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हमने लिखा 5.76, यहाँ लिखते हैं हम 2.8 और यहाँ लिखते हैं हम 9, ठीक है? अब देखो हम आपको इसको सॉल्व करके दिखा दें, सेम आंसर आएगा। आप यहाँ से लेते हो, हम यहाँ से, तो एक इससे ले ली तो ये हो गया आपका 16 में से 9 गई 7, इसको वापस कर दे, हो गया 9, आप यहाँ वापस करते तो 8 हो जाता, ऐसे ही करते हो ना, करते हो 8 हो जाता ना, से नहीं, किससे,
इससे लेते 8, इसको वापस नहीं करते हो आप? हाँ, तो बात वही है, हम आप इसको वापस दे के 8 करते हो, हम वापस दे के 8 करते हो, आप लेके 8 करते हो, वो तो वही है, मैथ है। मैथ में जैसे एक बच्चा बोला 2+1, दूसरा बोला बच्चा 1+2, वही है रिजल्ट देख लेते फाइनली, ठीक है ना। तो ये हमारा 9, अब रिजल्ट देखना है, इसको हमने वापस कर दी 9, अब ये 7 से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से ले लेंगे, तो 17 में से 9 जाएगा, तो कितना बचा 8, इसको वापस कर देंगे 3, 2.87। अब तुम लोग सॉल्व करके देखो इतनी आता कि नहीं, जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कहेंगे कि सर ये कैसे या मैथ सीखा। आ गया बस, अब यूट्यूब में जाएगी ना ये वीडियो, तुमने नहीं देखी अभी तक, एक भी नहीं देखी? देख लिया करो कभी कभी, जब जो दिक्कत जो नहीं, ऐसे नहीं देखना है आपको, कभी किसी टॉपिक में दिक्कत आए तभी देखनी है, नहीं मतलब तुम्हें पर पूरी मिल जाएंगी, जो बच्चे यहाँ हैं उनको तो पूरी, हम फर्स्ट डे की आपको आज सब भेज देंगे, पूरा चैप्टर ही भेज देंगे आज, ठीक है, आराम से देखते रहना। उसको पता है कहाँ डली है यूट्यूब, उसने देख ली, तुमने अभी देखी नहीं होगी, वो प्ले लिस्ट में जाती होगी सीधे। चलो अब इसको करके दिखाओ जल्दी से, 2.32 × 10⁻⁶ +0.126 10⁻⁸। जल्दी इसको कर दो, या तो इसको इनवर्स 8 बना दो, या फिर इसको इनवर्स 6 बना दो। कैसे बढ़ाओगे इनवर्स? कहाँ? नहीं, दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी ना, कॉमन लेना, तो या तो इसको इनवर्स 8 बना दो, या इसको इनवर्स 6। अगर इसको इनवर्स 6 बनाना है तो पावर कहाँ घटती है? आगे, तो आगे ले जाना पड़ेगा डेसिमल, और अगर इसको इनवर्स 6 बना दो पावर पीछे ले जानी पड़ेगी, फिर डेसिमल, क्योंकि पीछे पावर बढ़ती है, तो ये इसको ले दें ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आगे कर दें, तो आगे पावर घटती है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 32 10⁻⁸ हो जाएगा। दिक्कत है क्या? डायरेक्ट कर दिया, अरे ये तो पहले ही से 0.126 10⁻⁸, मतलब प्लस लगा है तो कॉमन आ जाएगा, तो 10⁻⁸ क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया। अब यहाँ से क्या बचा, 232 प्लस यहाँ से क्या बचा, 0.126 आ गया, रिजल्ट आ गया, तो जोड़ लें तो ये आ जाएगा 232.126 × 10⁻⁸ जाएगा ना, देखो 232 और ये तो डेसिमल से चालू हो रहा, तो यहाँ डेसिमल लगा, तो यहाँ 126 10 10 10 0 0 0 0 0। बताओ इतने में कौन कौन छोड़ के आएगा आंसर? सही है, लेकिन अच्छा होगा कि साइंटिफिक में, तो कहाँ ले जा रहे हो पावर, पीछे, तो पीछे पावर घटी है, कितना ले गए, 2, तो पावर 2 से माइनस, एक माइनस की कैंसिल हो जाएंगी, कितनी आएगी पावर इनवर्स 6, और ये आ जाएगा, तो पीछे पावर बढ़ती है ना, तो कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी ना, तो 2 से 2 कैंसिल, पीछे पावर, इसीलिए कहा था कि अभी थोड़ा धीमे धीमे जल्दबाजी नहीं होने लगी इतनी गलती, इसलिए हम कहते हैं कि अलग से 10 की पावर लिखो, कितना पीछे बढ़ाया, 1 2, तो 10 की पावर 2 बढ़ गई, 2 से 2 कैंसिल, 2.22 126 बन जाएंगे। उसका सब्ट्रैक्शन वाला तुम लोग करके लाना सेम का, ठीक है। चलो और फिर अब हम देते हैं, कल इतनी चीज़ आप लोगों से पूछेंगे हम HW में, क्या क्या पूछेंगे हम, पहले राउंड ऑफ पूछेंगे, ठीक है,
दूसरा पूछेंगे साइंटिफिक नोटेशन, अगला पूछेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये जो रूल्स ऑफ कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई के, मतलब पूछेंगे का मतलब है कि ये नहीं पूछेंगे कि लिख के बताओ, हम कुछ भी देंगे वो कैलकुलेट करके बताना है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एक्सपोनेंट वाले, मतलब आपको राउंड ऑफ से आज तक बस सीख के आना है।